हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूँ वो है एवोल्यूशन एंड मेजरमेंट और असेसमेंट इन साइंस टीचिंग। साइंस टीचिंग कहें या कोई भी टीचिंग कहें, ये सभी सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं मूल्यांकन और मापन, यहाँ कि मापन को मेजरमेंट भी बहुत जगहों कहा जाता है और असेसमेंट भी कहा जाता है, और जो मूल्यांकन है उसे एवोल्यूशन कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो एवोल्यूशन है, जो जो पूरी प्रक्रिया होती है शिक्षण की, और उसका महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है, तो शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है ये। लेसन प्लानिंग में भी आपने देखा कि एवोल्यूशन का एक उसमें एक पार्ट है। बीएस ब्लूम के टैक्सोनॉमी में भी आपने देखा टैक्सोनॉमी में कि एवोल्यूशन उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बात करते हैं विज्ञान विषय में शैक्षिक मापन और मूल्यांकन को। तो यहाँ पे मैं शैक्षिक इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि कोई भी क्षेत्र आज ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मापन और मूल्यांकन नहीं किया जाता है, लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे तो इसको यहाँ पे हम शैक्षिक मूल्यांकन कहेंगे। दरअसल मूल्यांकन के आधार पर हम पता कर पाते हैं कि जो छात्र है स्कूल में, विद्यालय में, उसने कितना सीखा है, यानी कि उसको जो ज्ञान है उसने कितना अर्जन किया है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में हम उसकी रुचियों का पता कर सकते हैं, कमियों को देख सकते हैं, और उस विषय में उसकी प्रतिभा को हम जान सकते हैं कि वो उसमें आगे कितना अचीव कर सकता है। डेफिनेशन की बात करूँ, मैं अभी मूल्यांकन की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेशन की बात करूँ, एमएम डेंडेकर ने कहा है कि मूल्यांकन इस बात की ओर निश्चित करता है कि विद्यार्थी किस सीमा तक शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करने में सक्षम रहा। तो आप जानते हैं कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसने किस हद तक उनको प्राप्त किया, ये मूल्यांकन हमें बताता है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्यों मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, यानी कि उस नीड की बात करें, एम कह सकते हैं इनको, एम्स भी यही हुए, इम्पोर्टेंस भी हो सकते हैं ये, और फंक्शन भी। देखिए अगर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में तो इतने सारी चीज़ों का आंसर एक ही होगा। तो क्यों ज़रूरी है मूल्यांकन, मैं यहाँ पर मूल्यांकन के साथ साथ मापन की भी बात करूँगा। तो अभी पहले मूल्यांकन पर फोकस हो रहा है। मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन छात्र की ज्ञान के जांच करने में सहायक है। ये चेक करता है छात्र ने कितना सीखा है, उसको किसी विषय में कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, अधिगम को प्रेरित करने में। और आप जानते हैं कि मूल्यांकन के आधार पर ही छात्र क्या होता है, आगे सीखने के लिए प्रेरित होता है। यानी कि मैं कहूँ कि जो एग्ज़ाम का रिजल्ट होता है वो आपको सीखने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, इसीलिए आपको किसी भी कक्षा में, अगली कक्षा में प्रमोट होने के लिए उससे पहले आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करता है मूल्यांकन। देखा होगा आपने एग्ज़ाम नज़दीक, आपके नज़दीक आते हैं तो आप पढ़ने के लिए क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मूल्यांकन ही एक ऐसा आधार है। जैसे कि इसी बार देखा होगा आपने, जब हमने कहा कि आपके मार्क्स इससे जुड़ेंगे तो आपने असाइनमेंट फटाफट जमा कर दिए, तो कहीं ना कहीं आपको सीखने के लिए प्रेरित किया उन्होंने। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करने में मूल्यांकन के आधार पर आप कक्षा में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं बच्चों के बीच, उसका पता करने में, पता लगा सकते हैं, निदान करने में। ये निदान यानी कि जो भी डायग्नोसिस होते हैं, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है, यानी कि जो कक्षा में कौन कौन से कमज़ोर छात्र हैं उनका पता हम मूल्यांकन के आधार पर लगा सकते हैं, और उसके बाद उनके लिए हम रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें जिस क्षेत्र में वो कमज़ोर हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करने में, अब देखिए मूल्यांकन सिर्फ न छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि मैं टीचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पाँचवा बिंदु है शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करने में, टीचर ने अगर बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा किसी भी विषय में तो डायरेक्ट वो कहीं ना कहीं क्रेडिट टीचर को भी जाता है, और उसके द्वारा जो यूज की गई शिक्षण विधियाँ हैं उनको भी जाता है। यदि बच्चों में जो प्रोग्रेस है वो उतनी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं शिक्षण विधियों के कह सकते हैं कि उसमें भी कमी देखी गई, जो शिक्षण विधियाँ टीचर के द्वारा यूज की गई है या उसके द्वारा जो पढ़ाने का तरीका था वो अच्छा नहीं था। तो शिक्षण विधियों के आकलन में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पाठ्यक्रम के सुधार में, लगातार सभी बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं या बहुत ही किसी विषय में बहुत ज़्यादा ही मार्क्स आ जा रही हैं, तो पाठ्यक्रम में सुधार की ज़रूरत हो जाती है बहुत बार, तो मूल्यांकन के द्वारा ही ये पता चलता है। शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता जानने में, आप जानते हैं TLM किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत इफेक्टिव बनाता है। अगर किसी भी विषय में अच्छी परफॉर्मेंस बच्चों की आ रही है और उसमें जो हमने TLM यूज कर रहे थे तो उनकी उपयोगिता यूटिलिटी को हम जान सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने फ़ायदा दिया है बच्चे को, और चेंज भी कर सकते हैं हम। यदि बच्चे सीख नहीं पा रहे अच्छे ढंग से, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो TLM जो हम यूज कर रहे थे हम उनको भी चेंज कर सकते हैं। छात्रों के वर्गीकरण में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते हैं कि
कक्षा के जो बच्चे हैं उनको अच्छे औसत और ख़राब वर्गों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बाइसिंग कर रहा हूँ कक्षा में, ये इसलिए बहुत बार ज़रूरत हो जाता है कि जो औसत और जो ख़राब दर्जे के बच्चे हैं उनको अलग से हम बिठा के, इसलिए नहीं कि भेदभाव कर रहे हैं उनसे, बल्कि मैं उनके लिए अलग से एक्स्ट्रा टीचिंग की जा सकती है इसलिए। अगला है निर्देशन देने में, यानी कि जो गाइडेंस और काउंसलिंग होती है निर्देशन देने में बच्चों को, बहुत बार विषय से संबंधित निर्देशन उनको दिया जाता है। जैसे कि 10वीं का रिजल्ट आने के बाद अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अब मुझे कौन से विषय आगे लेने चाहिए, या 12वीं करने के बाद किस क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए। तो इस प्रकार के जो निर्णय लेने में व्यावसायिक हो या शैक्षिक जो निर्णय लेने होते हैं बहुत बार, तो उसमें भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। और अंत में मैं बात करूँगा प्रमाण पत्र प्रदान करने में। प्रमाण पत्र जो दिया जाता है मूल्यांकन करने के बाद, ये आपके पास हमेशा के लिए हो जाता है कि आपने उस विषय में वो दक्षता हासिल की। और ये जो इसमें जो आपकी योग्यता होगी, गुण होंगे, वो उनको अंकों में दर्शाया गया होगा या ग्रेडिंग में ही दर्शाया गया होगा, जिसको देख के फ्यूचर में कोई भी आपके बारे में निर्णय ले सकता है। तो जो ये वाला 10वां बिंदु है, इसको मैं मापन के रूप में ही देखूँगा, यानी असेसमेंट या मेजरमेंट के रूप में देखूँगा। जो प्रमाण पत्र होता हमारा, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो सिर्फ पूरा मूल्यांकन नहीं होता हमारा, बहुत बार वो सिर्फ मापन का आधार हो सकता है। आगे मैं बात करूँगा इस पर, जब मापन की करूँगा तो आप समझ जाएंगे ये 10वें बिंदु को। अब देखिए थोड़ा शैक्षिक मापन की बात करूँ, मेजरमेंट और असेसमेंट, यानी एजुकेशनल मेजरमेंट और असेसमेंट, यहाँ पे था एजुकेशनल इवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे मेजरमेंट की बात कर रहे हैं हम, असेसमेंट की। तो मापन की बात करूँ मैं, तो मापन मूल्यांकन का ही प्रक्रिया का ही अंग है भाई। मापन एक छोटा सा हिस्सा है मूल्यांकन प्रक्रिया का। और बहुत बार इन शब्दों को आप अलग अलग नहीं करते हैं शिक्षा प्रक्रिया में, दोनों को एक साथ ही बोला जाता है कि मापन और मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो मैं कहूँ मापन और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो लगातार निरंतर एक साथ चलती रहती है। मापन मूल्यांकन का एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, यानी कि ब्रॉड प्रोसेस है। एसएस स्टीवंस ने देखो कैसे डिफाइन किया इसको, इन्होंने कहा मापन किसी स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। स्वीकृत नियम यानी कि जो सर्टेन एग्रीड रूल्स हैं, यानी कि पहले से कोई मानक तैयार कर दिए गए हैं। जैसे कि हमारे मार्क्स होते हैं 100 में से फिक्स कर दिया गया है, 100 में से इतने आएंगे तो साधारण निर्णय लेते हैं। तो स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो 60 नंबर आते हैं तो उसका पता ही नहीं होता हमें कि कितने में से आए, पता होता है कि 60 में से आए हैं, या पेपर 50 का है 50 में से आए, यानी कि पहले से कुछ मानक तय कर दिए गए हैं, उनमें से जो भी अंक आते हैं वो हमारे मापन के रूप में होते हैं। तो मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यूँ कह सकते हैं हम कि छात्र की जो विशेषता होती है या ज्ञान होता है उसको हम अंकों में दर्शाने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। तो मापन को हमेशा अंकों में या कुछ चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। आप में कोई गुण कितना है उसको अंकों में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये मापन की प्रक्रिया है, और बेहतर ढंग से समझेंगे आगे। ये देखिए मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो मापन से ही शुरू होती है। मापन मूल्यांकन प्रक्रिया का ही अंग है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मापन से प्राप्त परिणामों की वांछनीयता का निर्धारण किया जाता है। मैंने कहा ना जो मूल्यांकन की शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं मापन से ही शुरू होती है। जो अंक प्राप्त होते हैं हमें मूल्यांकन में, हम उसकी वांछनीयता को देखते हैं, डिजायरेबिलिटी। कुछ अंक हमें प्राप्त हुए हैं कुछ गुण के, तो हम देखेंगे कि ये गुण वास्तव में कितना है या किस कंडीशन में ये गुण कैसा रहेगा। उदाहरण से मैं समझाऊंगा बेहतर, आप देखिए। और किसी वस्तु या व्यक्ति में किसी गुण या विशेषता की कितनी मात्रा उपलब्ध है इसका निर्धारण मापन से होता है, जबकि वह गुण या विशेषता परिणामों की वांछनीयता का निर्धारण मूल्यांकन में होता है। मापन दो प्रकार से होते हैं, देखो मापन असेसमेंट की बात कर रहा हूँ या मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। गुणात्मक, गुणात्मक माने गुणों के आधार पर, जैसे व्यक्तियों को उदाहरण के तौर पर लूँगा मैं, जैसे व्यक्तियों को उनके लिंग के आधार पर दो भागों में बांट देना, उनको पुरुष या महिला के दो भागों में बांट देंगे, ये गुणात्मक मापन का उदाहरण है। और मात्रात्मक मापन का उदाहरण यानी क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव हुआ या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हुआ, इसमें गुण की मात्रा प्रकट होती है। जैसे कि व्यक्तियों को लंबाई के आधार पर वर्गीकृत करना, 5 फुट के एक तरफ 6 फुट के एक तरफ, तो लंबाई के आधार पर हमने वर्गीकृत किया, तो ये मात्रात्मक जो मापन का उदाहरण होगा, समझ गया। तो ये देख सकते हैं आप। अब मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कुछ अंतर बता के, कुछ उदाहरणों से बेहतर ढंग से, कि मापन और मूल्यांकन में कैसे हम अंतर कर सकते हैं। देखो मापन की अपेक्षा मूल्यांकन की प्रक्रिया हमेशा व्यापक होती है, ये आप समझ सकते हैं कि जो मूल्यांकन होता है वो ब्रॉड वे में चलती है। मापन कुछ पेपर के आधार पर, कुछ चंद प्रश्न पत्र के आधार पर किसी विषय में हम मापन कर सकते हैं, लेकिन उसकी वांछनीयता, उसकी डिजायरेबिलिटी कितनी है बच्चे में, ये मूल्यांकन के आधार पर ही निर्णय लिया जा सकता है।
मापन में गुण की मात्रा का पता चलता है, परंतु मूल्यांकन में उस गुण की जरूरतों का पता चलता है। यानी कि जैसे कि गणित में 100 में से 60 नंबर आए, तो 60 नंबर उसके जो मापन को बता रहे हैं, लेकिन क्या वो 60 नंबर उसके गुण को बता पा रहे हैं? गणित में उसकी क्वालिटी कैसी है नहीं बता पा रहे हैं, वो मूल्यांकन ही बता पाता है, समझ गए? इसीलिए आपने देखो कि आजकल एजुकेशन के पैटर्न में इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम का एक बड़ा बोलबाला चला है, क्योंकि इंटरनल जो एग्जामिनर होता है वही मूल्यांकन कर पाता है, जबकि एक्सटर्नल एग्जामिनर जो होता है वो सिर्फ आपका मापन ही कर पाएगा। समझ रहे होंगे बात? उदाहरण से समझिए, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है, ठीक है? जो भी एजुकेशनल अचीवमेंट होते हैं उनको अंकों में दिखाना, जैसे गणित में 85 नंबर आना एक प्रकार का मापन है, परंतु अगली कक्षा में गणित विषय उसके लिए कितना उपयोगी है। सपोज 10वीं में गणित में 85 आई, अब 11वीं में बायो लेना है या गणित लेना है, ये किस आधार पर डिसाइड हो रहा है? अंकों के आधार पर। कुछ लोग कर लेते हैं अंकों के आधार पर, लेकिन आपको पता आगे क्या होने वाला है स्थिति? अगर आपने मूल्यांकन के आधार पर नहीं लिया आगे जो सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं, तो वो आपका फ्यूचर ख़राब कर सकता है। तो अगली कक्षा में गणित विषय उसके लिए कितना उपयोगी है यह देखा जाना चाहिए, यह मूल्यांकन का एक उदाहरण है। तो मूल्यांकन में देख सकते हैं आप, उस गुण की सिर्फ मात्रा नहीं देखी जाती बल्कि में डिजायरेबिलिटी भी देखी जाती है। इसमें उसके गणित में संपूर्ण वर्ष भर की उपलब्धियों को देखने पर ही निर्णय ले सकते हैं, और वो उसके टीचर हो सकते हैं जिन्होंने उसको साल भर पढ़ाया, उसके माता पिता हो सकते हैं जो उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को जानते हैं गणित विषय में। ऐसे भी हो सकता है कि इसके तो फिर भी अच्छे अंक है, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि 10वीं में सिर्फ 50 अंक प्राप्त करें, लेकिन वो गणित में उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बेहतर हो, वो 11वीं में फिर भी गणित ले। मूल्यांकन के आधार पर ही निर्णय लेंगे आप, ठीक है? एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक उम्मीदवार ने पुलिस भर्ती की परीक्षा में एक घंटे में कुछ किलोमीटर दूरी तय की, ये दूरी मापन का एक उदाहरण हो सकता है, परंतु उम्मीदवार ने जो यह दूरी एक घंटे में पूरी की पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए, क्या यह सही है? अब यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, क्या जो एक घंटे में उसने दूरी तय की पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए वो सही है क्या मानकों पे? तो यह मूल्यांकन का एक उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया में डिजायरेबिलिटी चेक हो रही है, वांछनीयता, क्या उसके लिए ये उचित है? उचित अनुचित का ध्यान कहाँ पे दिया जा रहा है? मूल्यांकन में दिया जा रहा है, जबकि मापन में सिर्फ अंक ही दिए जा रहे हैं, मात्रा देखी जा रही है, ठीक? तो अब मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो फ्यूचर में एज ए टीचर आपको हमेशा कक्षा में जो भी है छात्रों का सिर्फ मापन न करके उनका मूल्यांकन करना चाहिए। मापन और मूल्यांकन को आप समझ चुके हैं, जहाँ कि मापन में सिर्फ मात्रा स्वरूप कुछ अंक प्रदान किए जाते हैं कुछ स्वीकृत नियमों के अनुसार, जबकि मूल्यांकन में उन गुणों की विशेषताओं की में कितनी डिजायरेबिलिटी है ये भी देखा जाता है। तो बेहतर है कि मूल्यांकन करना, तो किसी भी छात्र का मूल्यांकन उसकी वर्ष भर की कह सकते हैं कि जो एक्टिविटीज होती हैं उस पर आधारित होती हैं। इसीलिए आजकल जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको भी ध्यान में रखकर छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। तो संपूर्ण वर्ष भर में जो भी वो संपूर्ण कार्य करता है वो सभी चीज़ मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जबकि मापन में सिर्फ कुछ समय के लिए कुछ एक प्रश्न पत्र के द्वारा जो अंक प्राप्त होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा बेहतर है, लेकिन ध्यान दें दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मापन की प्रक्रिया भी चलेगी तभी मूल्यांकन आप कर पाएंगे। तो ये आज का टॉपिक था, क्योंकि मापन और जो मूल्यांकन चल रहा है ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो इसको मैं 2-3 पार्ट्स में बनाऊंगा इस वीडियो को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।